दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है फिर भी कैसे सेट करें, उसी बारे में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और आपका फ़ोन कितना भी सस्ता क्यों ना हो, सिर्फ स्मार्टफोन होना चाहिए। और कैसे सेट करेंगे फिंगरप्रिंट डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, आप तो जानते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं तो आपको पता होगा। जैसे कि इसको खोलने का तरीका क्या है, जैसे कि देखिएगा, पुट योर फिंगरप्रिंट सेंसर है, जहाँ पर 2 सेकंड क्लिक करना है, 2 सेकंड दबा के रखना है। उसके बाद जहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो निशान दिख रहा है, जहाँ पर आपको दिखेगा अभी, तो वहाँ पर जैसे ऊपर में लिखा हुआ पे क्लिक करेंगे, 2 सेकंड तक दबा के रखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर स्कैन पे करना है फिंगरप्रिंट को अपने, 2 सेकंड वहाँ पर भी दबा के रखेंगे जैसे ही खुल जाएगा। और उसके बाद जो आप जो पिन जो सेट किए होंगे, वो वाले पिन को जैसे ही आप इसमें टाइप करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो चलिए, अब क्या है, जैसे कि एक और है इसी ऐप के अंदर, एक और तरीका है, जैसे कि ये देखिएगा, ये क्या बता रहा है, सॉरी, जैसे कि ऐसा लग रहा है ये एप्लीकेशन ख़राब हो गया है। तो इसे कैसे खोलना है, जैसे कि यहाँ पर फोर्स क्लोज लिखा हुआ है, वहाँ पर दबा के रखना है, जैसे वहाँ पर दबा के रखे थे, इसी तरह यहाँ पर भी फोर्स क्लोज पे दबा के रखना है फिंगर को। उसके बाद जैसे ही फिंगर को इस पर फोर्स क्लोज, जैसे कि फोर्स क्लोज पे दबा के रखना है 2 सेकंड, उसके बाद देखिए इसमें भी पिन जैसे टाइप करेंगे तो ये भी खुल जाएगा। तो इसी तरह जैसे कि ये तो कैसे खोलना है ये तो सीख लिए, अब चलिए इसे सेट कैसे करना है इस बारे में सीखेंगे। जैसे कि सेट करने के लिए जैसे ही इसे ओपन करेंगे, तो देखिए फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे, जैसे कि देखिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, जैसे कि यहाँ फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे इस एप्लीकेशन को, तो इस तरह सात 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 4 बार दबाना होगा, 7 7 4 बार इस तरह दबाना होगा, जो कि ये लॉक नहीं है आपका, जैसे कि आप अपने हिसाब से आप लॉक सेट करेंगे, ये एप्लीकेशन का रूल है इस तरह, जैसे कि 7 7 4 बार दबाएंगे तो इस तरह ओपन होगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, आप इसे ओपन करने के बाद जैसे कि सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, तो देखिए सेटिंग में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पासवर्ड अपने हिसाब से चुन लेंगे, पिन जो भी जितना भी चुनना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसमें अभी एंटर किया हूँ। इसी तरह ये ऑप्शन क्या है, जैसे कि जीमेल आईडी बोला रिकॉर्ड करने के लिए देने के लिए, जैसे कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, अपना पिन भूल जाते हैं, तो ये जीमेल आईडी अगर देंगे अभी तो ये बहुत ही आसानी होगा, जैसे कि भूल जाने के बाद रिकवर करने में, ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, ये रिकवर करने के लिए आप जीमेल आईडी भी दे देना है। और ये ऑप्शन क्या है, जैसे कि ये वाले ऑप्शन का मतलब है दोस्तों, जैसे कि आपका फोन आपके मतलब आपके पास नहीं है, अगर आपके घर पर है तो कोई खोलने का कोशिश करेगा तो इस पर टिक लगा देना है, खोलने का कोशिश करेगा तो उनका फोटो ले लेगा, मतलब आपके पिट पिछू कोई भी आप मोबाइल के पास नहीं है फिर भी खोलने का कोशिश करेगा तो इस पर टिक लगा देंगे जब भी ये काम करेगा, और जैसे कोई भी अनलॉक करने का कोशिश करेगा तो उनका फोटो ले लेगा, तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एनेबल कर देना है एनेबल लॉक, इसी तरह दोनों पे टिक रखना है। और जैसे इस पे टिक रखते हैं तो यहाँ पर देखिए एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन में बहुत कुछ है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फोर्स, जैसे कि यहाँ पर हाइड आइकन कर सकते हैं, हाइड जैसे यहाँ पर टिक मार्क पर क्लिक करेंगे तो हाइड भी कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं स्क्रीन, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जब टिक लगाएंगे ना, जब भी जाकर ये काम करेगा। तो चलिए, आप चाहते तो आप इस पर भी टिक लगा सकते हैं, और नहीं चाहते तो नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। जैसे कि ये परचेस कर लेते हैं ये वाले एप्लीकेशन को, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, और फ्री में भी कैसे इस्तेमाल करें इसी बारे में इसमें सीखेंगे। जैसे कि देख सकते हैं लॉक जो डाले थे वहाँ पर सेट किए, तो वही वाले लॉक जब भी डालेंगे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इस तरह, और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो कि फिंगरप्रिंट का पहला नंबर पर आ रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर का, जैसे कि आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट, और एक जैसे कि उसके बाद वाला ऑप्शन है जो कि आपको बताए थे, जो कि वहाँ पर फिंगरप्रिंट को होल्ड करके रखेंगे जैसे ही आप ओपन कर लेंगे, तो सॉरी बता रहा था उस टाइम, उसी तरह दूसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर पे रोटेट कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन को सेट कर देंगे तो ऑटो रोटेट हो जाएगा। और बड़ा और चौथे नंबर पर है, जैसे कि ये वाले ब्राइटनेस जो कि लॉक के साइड में है, तो ये ब्राइटनेस स्क्रीन फिल्टर, जैसे कि ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से, जैसे कि अपने फ़ोन को ऑटो ब्राइटनेस में रखते हैं तो इसमें क्या सेट कर सकते हैं, यूट्यूब में या कहीं भी आप जाएंगे, जितना परसेंट ब्राइटनेस आप सेट कर देंगे वही ब्राइटनेस वहाँ पर भी मतलब ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, जो भी एप्लीकेशन के अंदर आप सेट कर देते हैं। तो इसमें एक तो रूटेड का ऑप्शन है, और इस तरह अलाउ कर देना है जब भी जाकर ये काम करेगा, तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है। और जैसे ही आप इस तरह आप एनेबल कर देते हैं ये वाले क्या बोलते हैं लॉक ऐप को भी कर सकते हैं, और लॉक ऐप अनइंस्टॉल भी पर अनइंस्टॉल पे भी आप लॉक लगा सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपके अलावा कोई भी आपके ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर सकता है। एप्लीकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।